तो हेलो, कैसे हो लोग? आ चुके हैं ब्रॉल स्टार्स की वीडियो के साथ। एंड गाइस, अपडेट का सीजन, अपडेट का मौसम आने वाला है बहुत ही जल्द। आज ही के दिन ब्रॉल टॉक, आई मीन आज ही के रात, यस रात को ब्रॉल टॉक आ रहा है। यू नो, पता नहीं रात को क्यों आ रहा है आजकल। इंडियन टाइम में तो रात में है, बट गाइस यूएसए टाइम में तो फिर भी ठीक है, वहाँ पर भाई सब कुछ मस्त है। तो या छोड़ दो गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं गाइस आज के वाले वीडियो में कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आने का चांसेस है, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस क्या क्या आने का है। तो गाइस सबसे पहले गाइस सब लोग वीडियो को एक एक लाइक कर दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। एंड गाइस हम लोग आज के वाले वीडियो में जो भी स्पेकुलेट करने वाले हैं अपडेट के ऊपर, सब कुछ यहाँ पर मेरे स्पेकुलेशन के ऊपर है, मेरे लॉजिक के ऊपर है। एंड गाइस यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है गाइस ये सब सुपर सेल का, बट गाइस आने वाले टाइम में हम लोग मतलब जब भी सुपर सेल हम लोगों को प्रोवाइड करे ऑफिशियल कुछ यहाँ पर स्निक पिक्स हो गया, यहाँ पर मतलब कुछ भी हो गया, तो हम लोग भाई जल्द से जल्द आप लोगों की तरफ पहुँचा देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, बज वाले घंटे को दबाओ। और गाइस अभी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीज़ हो रहा है यहाँ पर वो है गाइस टू न्यू ब्रॉलर्स। यस, अब देखो गाइस टू न्यू ब्रॉलर्स एक ही ब्रॉल टॉक में बहुत दिन हुआ नहीं आया है। लास्ट आया था गाइस एक ही ब्रॉल टॉक में मैक्स एंड बी, यस मैक्स एंड बी एक साथ अनाउंस हुई थी। तो उसके बाद से लेकर अभी तक कोई टू न्यू ब्रॉलर्स एक ही ब्रॉल टॉक में नहीं आया है। बट ये पर गाइस हम लोग ये बस स्पेकुलेट करने वाले हैं कि इस बार जो टू न्यू ब्रॉलर्स आ रहा है उसका रेयरिटी क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ये पर देखो पूरा का लॉजिक लगा दे तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले अगर रेयरिटी की बात करें जो है कि क्रोमैटिक, तो क्रोमैटिक गाइस बिल्कुल नहीं आएगा भाई, चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिकॉज गाइस अभी फिलहाल ब्रॉल पास का सीजन चल रहा है, एंड नहीं हुआ है, और हम लोगों को ऑलरेडी यू नो लू देखने को मिलता है। तो यू नो तो लू तो ऑलरेडी भाई पड़ा हुआ है, तो उसके बाद भी कोई क्रोमैटिक आने का चांस नहीं है। बिकॉज गाइस क्रोमैटिक आता है ब्रॉल पास के साथ ही आता है, ब्रॉल पास के बिना कोई क्रोमैटिक आता नहीं है। तो ये पर देखो क्रोमैटिक को हटा दो, ठीक है, क्रोमैटिक को हटा दो, हम लोग यहाँ पर सोचते हैं क्रोमैटिक हटा दो। उसके बाद अगर जाते हैं हम लोग लेजेंडरी में, तो लेजेंडरी ऑलरेडी यहाँ पर रिसेंटली आई है अपने एम्बर्स, तो एम्बर भाई यू नो लेजेंडरी आने का कोई चांस मेरे को लगता है नहीं, बिकॉज भाई लेजेंडरी रिसेंटली आया भाई। तो यहाँ पर देखो क्रोमैटिक एंड लेजेंडरी हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आता है गाइस मिथिक, यस मिथिक हमारे गेम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, छः मिथिक है, ठीक है, छः मिथिक, तो छः मिथिक। उसके बाद मेरे को नहीं लगता और भी एक मिथिक देगा तो थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा सा घट जाएगा। तो भाई देखो ऑन सेकेंड सुपर सेल है, कुछ भी कर सकता है सुपर सेल देवता, बट अगर लॉजिक लगा के देखा जाए तो मिथिक आने का चांस भी बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर जाते हैं गाइस एपिक में, तो एपिक में भी मिथिक की तरह छः ब्रॉलर्स हैं ऑलरेडी छः ब्रॉलर्स हैं। तो एपिक मिथिक यू नो मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा चांसेस है। बट गाइस जैसे लास्ट टाइम एक ही ब्रॉल टॉक में दो दो ब्रॉलर आई थी, जैसे मैक्स एंड बी, तो मैक्स थी यहाँ पर मिथिक एंड बी थी एपिक, तो इस बार भी शायद वैसा ना हो जाए, एक बॉलर मिथिक एक बॉलर एपिक। बट आई होप गाइस ऐसा नहीं होगा, बिकॉज गाइस ऑलरेडी बैलेंस है, छः मिथिक छः एपिक, तो मिथिक एंड एपिक का जो रेशियो है वो पूरा एकदम भाई सेम टू सेम है। तो आई डोंट थिंक आना चाहिए, मतलब आएगा ऐसा कुछ, बट गाइस वंस अगेन सुपर सेल देवता है, ला सकते हैं गाइस फिर से एक मिथिक एंड एपिक, कुछ भी हो सकता है। बट जो जीरो चांसेस है वो है गाइस क्रोमैटिक एंड लेजेंडरी का, ठीक है, क्रोमैटिक लेजेंडरी को हटा देते हैं। उसके बाद मिथिक एंड एपिक को भी हटा सकते हैं हम लोग, बिकॉज गाइस ऑलरेडी छः है और भी लाएंगे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता लाएंगे। उसके बाद अगर जाएंगे गाइस हमने सुपर रेयर कैटेगरी में, तो सुपर रेयर में गाइस अभी के टाइम में ब्रॉलर से पाँच, और गाइस लास्ट ब्रॉलर आई थी गाइस जैकी, ठीक है। तो मेरे को लगता है सुपर रेयर ला सकते हैं सुपर सेल, बिकॉज बहुत दिन हो गया गाइस सुपर रेयर ब्रॉलर नहीं लाया है। उसके बाद अगर जाते हैं गाइस रेयर कैटेगरी में, तो आने का बहुत ज़्यादा चांस है, सबसे ज़्यादा चांस सब लोग लिख के ले लो, रेयर कैटेगरी का आने का चांस है अगर सुपरसेल बैलेंस करना चाहे तो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब आएगा ही आएगा, बट अगर यू नो कैटेगरी यू नो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, तो अगर अभी के टाइम में अगर रेयर की बात करें तो रेयर में है गाइस चार बॉलर्स, ओनली चार बॉलर्स है रेयर में, चार, यस सबसे कम रेयरिटी, मतलब सबसे कम बॉलर्स है, चार बॉलर्स है ओनली। एंड गाइस ट्रॉफी रोड में तो गाइस 11 के 12 के ऐसे बॉलर्स है, बट गाइस रेयर में गाइस चार बॉलर्स है ओनली। तो आई होप, मतलब आई थिंक रेयर ब्रॉलर आने का 90% चांस है, रेयर एंड सुपर रेयर ऐसा कुछ कैटेगरी में। अगर देखो दो ब्रॉलर्स आ रहा है तो एक ज़रूर गाइस रेयर या फिर सुपर रेयर हो सकता है, होना चाहिए, और रेयर तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग एक बार पकड़ के चल सकते हैं कि रेयर एक हो सकता है, और ट्रॉफी रोड अगर बात करें ट्रॉफी रोड भी हो सकता है, बट गाइस ट्रॉफी रोड ऑलरेडी बहुत सारा है, बट फिर भी गाइस ला सकते हैं, बिकॉज गाइस ट्रॉफी रोड का जो अवार्ड है वो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आई थिंक ट्रॉफी रोड भी ला सकते हैं वो लोग। बट ये बार देखो अगर बात करें दो ब्रॉलर्स लाने का, तो एक ज़रूर मैं चाहूँगा, एक तो एक सुपर सेल प्लीज़ रेयर या फिर सुपर रेयर या फिर ट्रॉफी रोड में से एक दो, ज़्यादा चांस है रेयर लाने का अगर सुपर सेल चाहते हैं तो।
और एक गाइस कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है मिथी गेपी की नो, बट हाँ लेजेंडरी क्रोमेटिक को छोड़ के ठीक है, लेजेंडरी गाने का बिल्कुल भी चांस नहीं ठीक है। तो उसके बाद एपिक मिथिक हो गया, उसका भी बहुत कम चांस है बाय द वे, अगर सुपरसेल चाहे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाए यू नो मिथिक एंड एपिक से तो ही दे सकते हैं, अदरवाइज भाई मुझे नहीं लगता कि आएगा। एंड आने का सबसे ज़्यादा चांस है सुपर रेयर, रेयर और ट्रॉफी रोड में से ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ट्रू बॉलर्स का रेयरिटी, हम लोग जान गए, थोड़ा बहुत स्पेकुलेट हम लोग कर लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे इस ब्रॉलर को छोड़ के और क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आना चाहिए, तो भाई सबसे पहले अगर बात करें पिछले वाले 2019 में दिसंबर अपडेट की, 2019 की बात कर रहा हूँ, तो भाई उस टाइम पे विंटर अपडेट नहीं आया था, उस टाइम पे गाइस पूरा पायरेट थीम का अपडेट आया था। आई होप इस बार वैसा कुछ ना ला के भाई सुपरसेल प्रॉपर विंटर थीम का ही अपडेट लाए, जिससे कि भाई वो जो वाइब्स है वो एकदम से भाई भाई बना रहे, भाई मज़ा आ जाता है यू नो। भाई विंटर में हम लोगों को क्या चाहिए गाइस, विंटर थीम का अपडेट, सेंटा वेंडा यू नो, क्रिसमस ट्री ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भाई प्रॉपर आना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा मज़ा आए। उसके साथ गाइस पिछले बार का जो एक्सक्लूसिव इवेंट था जो प्रेजेंट प्लंडर, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और सब लोग चाहते थे कि वो एकदम से परमानेंट गेम प्ले, मतलब गेम प्ले बोल रहा हूँ, गेम मोड बने, तो वो वापस आ सकता है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा चर्चे में है, मे बी आ सकता है, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है बिकॉज वो एक्सक्लूसिव गेम मोड है एंड यू नो दिसंबर में ही आया था। और उसके साथ गाइस एक्सक्लूसिव स्किन्स तो आएगा ही, वो सभी को पता है। उसके साथ गाइस जो है जो डेली लॉगिन का जो है रिवॉर्ड मिल रहा है, उसमें गाइस पिछले बार भी हम लोगों को एकदम लास्ट में रिको शेड का जो ओल्ड स्किन मिला था हम लोगों को पिछले बार 2019 में सेम टाइम में, ऐसे भाई एक हफ्ते के लिए डेली लॉगिन एंड लास्ट लॉगिन में हम लोगों को फ्री स्किन मिला था ओजी स्किन। इस बार भी भाई मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रहा है, लिटरली ओल्ड ब्रॉक का स्किन, मतलब सभी लोग यहाँ पर भाई इस चर्चे में है कि आइज आ सकता है, आई डोंट नो, बट हाँ चांस है। एंड हाँ ऑफकोर्स स्किन आएगा, बट वो ब्रॉक का होगा या फिर दूसरा का होगा वो एकदम भाई 100% नहीं, ऑफिशियल नहीं है, बट 90% यहाँ पर गाइस सब लोग बोल रहे हैं कि गाइस ब्रॉक का आ सकता है, ओजी ब्रॉक जिसको पता होगा एकदम भाई पुराने स्किन नया स्टाइल में, एकदम हाँ पुराने स्किन मतलब डिटो नहीं देंगे, नया स्टाइल में देंगे, बट वो जो वाइब्स है वो बना रहेगा। एंड उसके साथ गाइस आई होप कि बहुत ही मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स अपडेट हम लोग को देखने को मिले, लाइक हम लोग के ऊपर बात की गाइस टू न्यू ब्रॉलर्स के ऊपर, उसके रेयरिटी के ऊपर, न्यू स्किन्स, न्यू एनवायरमेंट, न्यू थीम जो कि हर एक अपडेट में आता है, उसके साथ साथ न्यू गेम मोड्स एकदम मस्त भाई, और उसके साथ साथ गाइस जो मैप मेकर उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ यू नो इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं वो लोग, बिकॉज मैप मेकर अभी भी बीटा में है एंड अभी भी स्टिल इम्प्रूवमेंट्स होना बाकी है मैप मेकर के ऊपर। तो भाई मैप मेकर एक बहुत ही अच्छा एक अपडेट रहा है इस साल का, मतलब बहुत बड़ा अपडेट में से मैप मेकर ही मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ गाइस मैं ज़रूर चाहूँगा गाइस दिल से यार सुपर सेल क्लब को थोड़ा सा प्यार दो, क्लब को थोड़ा सा प्यार दो, क्लब वार अभी ना ही सही बट क्लब का लेके मतलब थोड़ा प्यार सुपरसेल प्लीज़ कम ऑन। 100-100 बंदे रहते हैं क्लब में, बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है क्लब के साथ और उससे गेम एकदम से चेंज हो जाएगा लिटरली भाई, ये सुपरसेल को भी मालूम है एंड सभी को मालूम है, पूरा कम्युनिटी में ट्रेंडिंग डिमांड है क्लब को लेके, कुछ लाओ एंड आई होप मतलब देखो बहुत ही जितना जल्दी ला सके, आई डोंट नो भाई जितना जल्दी ला सके इस बार इस अपडेट में ना ही सही, अगले अपडेट में या फिर मतलब नया साल के साथ यू नो क्लब वार सभी को पता है गाइस। आई होप भाई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही भाई मस्ती भरे वीडियोस के लिए, सब्सक्राइब मार देना, बाजू वाले घंटे को ऑल पे दबा देना, भाई तो आजकल तो YouTube नोटिफिकेशन भेजता है नहीं यू नो, तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, Instagram में भाई को फॉलो कर लेना गाइस, बहुत ही जल्दी वन की होने वाला है वहाँ पर भी, और Twitter में फॉलो कर लेना, हम लोग हर जगह है भाई हर जगह ठीक है। तो चलते मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।